भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नए साल का जश्न मनाने एडवेंचर के नाम पर कुछ हटकर करने के चक्कर में बिना अनुमति भंडारा जिले के रावणवाड़ी जलाशय के करीब वन विभाग के संवेदनशील क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे करीब 145 युवक युवतियों को भंडारा वन विभाग और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वापस नागपुर रवाना किया। इस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति होने की वजह से पर्यटकों का प्रवेश नियंत्रित है। रावणवाड़ी जलाशय के आसपास वन विभाग की संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति रावणवाड़ी द्वारा नियंत्रित तौर पर पर्यटन कराया जाता है, जिसमें जलाशय में बोट राइड, कैमल राइड, मंदिर दर्शन शामिल है। गहन वन क्षेत्र पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत झील की वजह से वीकेंड या खास मौकों पर यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। नागपुर स्थित अल्फा एडवेंचर कंपनी ने 31 दिसंबर को रावणवाड़ी में एडवेंचर कैंपिंग कराने का वादा कर एक वीडियो बना इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। कंपनी के निर्देशक ने बताया कि उन्होंने एक रात के एडवेंचर कैंपिंग के नाम पर प्रति कपल 6,000 रुपए और स्टैग एंट्री के नाम पर 2,400 रुपए के हिसाब से इन 145 लोगों से पैसे वसूले। इन 145 लोगों में युवा लड़के लड़कियां शामिल थे। यह सभी 3 प्राइवेट बसों से रावणवाड़ी पहुंचे और जलाशय के पश्चिम में वन विभाग की जगह पर 75 कैंप लगाए। कैंप के फोटोज और वीडियोज नागपुर शहर में पहले ही वायरल हो चुके थे। इसकी जानकारी मिलते ही भंडारा मानद वन्य जीव रक्षक ने सूचना भंडारा प्रादेशिक वन विभाग प्रमुख उपवन संरक्षक राहुल गवई और पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी को दी। लोहित मतानी ने तुरंत अडाल पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच टीम को घटनास्थल रवाना किया। अडाल थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुधर बोरकुटे, भंडारा रेंजर विवेक राजूरकर, राउंड ऑफिसर तिबुटे और मानद वन्यजीव रक्षक रावणवाड़ी पहुंचते ही आयोजक वैभव वर्मा को बुलाकर कैंपिंग एरिया के पास पाए गए बाघिन के कैमरा ट्रैप के फोटोज दिखाकर उन्हें तुरंत क्षेत्र से निकल जाने के निर्देश दिए। आयोजकों ने बताया कि उन्होंने वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। सभी 145 लोगों को रात 11 बजे वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संवेदनशील क्षेत्र से हटाया गया। इस तरह की जिले की यह पहली घटना है। हिंदवी प्रतिष्ठान भंडारा के महिला विभाग द्वारा शहर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों के स्थलों पर महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्वच्छता गृह की मांग को लेकर जिलाधिकारी भंडारा तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भंडारा को निवेदन महिला विभाग द्वारा दिया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्षा वनिता कालसर्पे, प्रिया खरोले, सविता सार्वे, अनिता नागमोथे, प्रिया भेदे, गौरी पांडे, प्रतिज्ञा टेमरे उपस्थित रहे। आज हिंदवी प्रतिष्ठानातर्फे आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे की भंडारा शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाही आहे आणि तिथे जास्तीत जास्त महिला 80% वरती काम करत आहे, त्यामुळे त्या महिलांची खूप काही अडचण आहे की तिथे स्वच्छतागृह पाहिजे आणि महिलांना याची आवश्यकता आहे। जर हे निवेदन आम्ही दिलं आहे, याचं जर समोर काही पाऊल उचललं गेलं नाही तर त्याच्यापुढे आम्ही त्याचा काहीतरी आंदोलन करू आणि आमचा हक्क आम्ही पूर्ण करू असं मी सरांना आणि नगर परिषदला निवेदन देऊन आपलं मत व्यक्त करते आणि ही समस्या सगळी व्यवस्थित व्हावे असं माझं म्हणणं आहे। हिंदवी प्रतिष्ठान के महिला विभाग द्वारा निवेदन देकर शहर में महिला स्वच्छता गृह की आवश्यकता, महिलाओं को हो रही असुविधा के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया। स्पेसिफिकली ये तो सही बात है कि भंडारा शहर में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट ब्लॉक और बाथरूम नहीं है। अब उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है, जैसे कि गांधी चौक में यहाँ इस बिल्डिंग में 3 टॉयलेट ब्लॉक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ये इसी एरिया के लोगों के लिए खुला किया जाएगा। सामने टॉयलेट ब्लॉक है उसको भी खुला किया जाएगा। हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर के बीच में
एक टॉयलेट ब्लॉक हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे बड़े बाजार में हमने एक पी एंड पार्क पर टॉयलेट ब्लॉक शुरू किया है, अभी नया वहाँ पे संविधान चौक में भी नया टॉयलेट ब्लॉक जेंट्स लेडीज़ का सेपरेट किया गया है। जैसे कि बजाज कॉम्प्लेक्स है, वहाँ का भी टॉयलेट ब्लॉक चालू किया जा रहा है, और बाकी जगह जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आने वाले दिनों में हम ये व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये है कि उसका थोड़ा यूज भी अच्छे से करना चाहिए, लोगों ने उसको मेंटेन भी करना चाहिए, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बिल न भरने पर रात्रि 12 बजे बिजली बंद करने की धमकी देकर महिला को फोन में एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने को कहकर 1,99,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। यह घटना तुमसर में 2 जनवरी को सामने आई। इसे लेकर पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज किया है। संत रविदास वार्ड निवासी 35 वर्षीय विवाहित महिला को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर विद्युत विभाग से बोलने की जानकारी देकर बिल न भरने पर रात्रि बिजली बंद करने की चेतावनी दी, जबकि महिला ने पहले ही फोन पे ऐप के जरिए बिल जमा कर दिया था। फिर भी बिल भरने की जानकारी अपडेट नहीं होने की बात कहकर महिला को एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने को कहा, जिसके बाद महिला ने ऐप डाउनलोड करते ही उसके यूनियन बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 1,99,000 रुपए निकाले। मामले में दर्ज शिकायत पर तुमसर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ धारा 66 क 66 ड सूचना तकनीकी कानून के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान। तुमसर में महिला के साथ बिल भरने के नाम पर हुई ऑनलाइन ठगी के बाद जिला पुलिस विभाग ने नागरिकों को आगाह कराते हुए किसी भी तरह का बिल न भरने, बिजली बंद करने की झूठी जानकारी देकर ठगी करने वाले बदमाशों से सावधान रहने को कहा है। साथ ही किसी के कहने पर एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने, लिंक पर क्लिक करने से बचने का आह्वान किया। साइबर चोरों ने बिजली कंपनी की ओर से बिजली का बिल भर दो वरना आज रात कनेक्शन काट दिया जाएगा संदेश भेजकर ग्राहकों को लूटने का नया तरीका अपनाया है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस प्रकार के घोटाले का शिकार न बने। जिले के एक बिजली उपभोक्ता के मोबाइल फोन पर एक संदेश आया कि यदि रात 9:30 बजे तक बिजली बिल नहीं भरा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। इस तरह जिला वासियों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं। इनमें कहा गया है कि क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करें और अपडेट करने के लिए 20 रुपए भेजे। क्विक सपोर्ट ऐप के जरिए यह चोर मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहते हैं। इसके द्वारा बैंक खाते डेबिट कार्ड का विवरण लेके खाते से राशि स्थानांतरित करते हैं। साइबर चोर ठीक वैसे ही मैसेज बनाते हैं जैसे बिजली कंपनी द्वारा बिल भरने के लिए भेजे जाते हैं। तो इन संदेश को ध्यान से पढ़िए। आपके पास बिजली का बिल है, इस पर एक मदद के लिए एक संपर्क नंबर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करें और सुनिश्चित करे, ऐसे ही जिला पुलिस अधीक्षक ने अपील की है। किसी भी फर्जी संदेश का जवाब न दे और ऐसा संदेश आने पर भंडारा साइबर पुलिस विभाग से संपर्क करे। भगिनी मंडल रामटेक की ओर से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में रिहान हॉस्पिटल रामटेक में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। इनमें 11 महिलाओं का समावेश है। शिविर की शुरुआत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को रिहान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रदीप बोरकर के हाथों माल्यार्पण कर किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में पंस के पूर्व उपसभापति गज्जू यादव, गोपी कोल्हेपरा, भगिनी मंडल की अध्यक्ष कोल्हेपरा, अनिल वाघमारे, पूर्व पार्षद संजय बिस्मोगरे, विवेक तोतड़े, मोनू रघुवंशी, रवि शिंगाड़े, राहुल विश्वकर्मा, अजय मोहरकुले, अभिषेक डहारे उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर बोरकर, अनिल वाघमारे ने मार्गदर्शन किया। मंडल के अध्यक्ष कोल्लेपरा ने सभी रक्तदाताओं का आभार माना। लाइफलाइन ब्लड बैंक के वैद्यकीय टीम ने रक्त संकलन किया। शिविर में 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भगिनी मंडल की शोभा अडा में मीनल भारंबे, अर्चना वाघमारे, सविता बांते, कांचनमाला माकड़े, कविता रोकड़े, शारदा आकट, ज्योत्सना आकट, कविता दुबे, कुंदा वांडरे, लता कामले, सुरेखा उराडे, प्रीति मोहारे, संध्या शिंगाड़े, मेघा ठाकरे, लक्ष्मी बांते सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। शिविर के सफलतार्थ रामटेक भगिनी मंडल सहित वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन की टीम रामराज्य ढोलताशा पथक ने भी सहयोग किया। नवधर्म हा समाजाच्या सेवेसाठी आहे। या धर्माचा प्रथम टप्पा म्हणजे व्यसन मुक्तीचे कार्य भरपूर झाले आहे। आता समाजात गरज आहे ती
ही शैक्षणिक क्रांती आणण्याची. मुले उच्च शिक्षित झाली तर समाज आणखी प्रगत होऊ शकतो, म्हणून आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षण देण्याचे आवाहन आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले. ते परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूर द्वारा आयोजित सेवक संमेलन व चर्चा बैठकीला प्रमुख अतिथी म्हणून संबोधित करीत होते. केसलवाडा येथे आयोजित संमेलनात आमदार भोंडेकर यांचे शाल देऊन सत्कार करण्यात आले. कार्यक्रमाला संबोधित करताना आमदार भोंडेकर म्हणाले की समाजात एकोप्याचा संदेश गेला पाहिजे, कारण एकोपा राहिला तर समाज प्रगतीशील होऊ शकतो. व्यसनमुक्ती ही मानवधर्माचा पहिला टप्पा होता. आता धर्मातील लोकांनी उच्च शिक्षण घेणे, मोठे अधिकारी होणे गरजेचे आहे, कारण शिक्षणानेच प्रगती संभव आहे. गरिबाची पोरं शिकली की घरात आलेली दारिद्र दूर होऊ शकते, म्हणून आता समाजाला शैक्षणिक क्रांतीची गरज आहे. आपल्या पाल्यांना तर उच्च शिक्षण द्याच, सोबतच समाजातील गोरगरीब परिवारातील पाल्यांना सुद्धा पैसा गोळा करून शिक्षण मिळावे याकरिता प्रयत्न करण्याचे आवाहन करीत आमदार भोंडेकर म्हणाले की आपल्या धर्मातील अन्य परिवाराला शिकवाल तरच खरा धर्म पालन होईल. जवळच्या खोडगावात अजय मोहारे आपल्या शेतात काम करत असताना त्यांना एक साप दिसून आला. त्या सापाला पाहून अजय मोहारे यांनी गावामधल्या वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशनचे सर्पमित्र योगेश दमाहे यांना फोन करून सापाची माहिती दिली. सर्पमित्र योगेश दमाहे वेळ न घालवता खोडगावामध्ये पोहोचले. सापाला पाहिल्यानंतर त्या सापाला सुखरूप पकडून तिथल्या लोकांना सापाबद्दलची माहिती दिली की हा साप अतिदुर्मिळ प्रजातीचा पोवळा साप आहे. हा साप आपल्या क्षेत्रामध्ये फार कमी मिळत असतात. हा साप अतिविषारी सापाच्या प्रकारात मोडतो. दगडाखाली व पालापाचोडाखाली हा राहतो. पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर कुणालाही हा मन्यार असल्याचा भास होऊ शकतो, पण हा अतिदुर्मिळ कॅस्टोस कोरल स्नेक आहे. हा मुख्यतः छोटे बेडूक, सरडे, पाली आणि गांडूळ खातो. याची लांबी 2 ते 2.5 फूट असते, तर हा करंगडी इतका जाड असतो. सर्पमित्राने त्या सापाला प्राणी मित्राच्या कार्यालय येथे आणून सर्पमित्र मंथन सरभाऊ अजय मोहरकुले अक्षय घोडाकाटे यांच्याकडे स्वाधीन करून सापाला रामटेक वन विभागामध्ये आणून रेंजर ऑफिसर अनिल भगत, राउंड ऑफिसर गोमासे यांच्या समक्ष पंचनामा करून जवळच्या जंगलात सोडण्यात आले. स्थानिक अकॅडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल साकोली येथे 3 दिवसीय वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन मनीषा दाडंगे SDO तालुका साकोली तर प्रमुख अतिथी डॉक्टर राजेश चंदवानी अध्यक्ष समर्पण बहुद्देशीय विकास संस्था साकोली, डॉक्टर गीता चंदवानी सचिव समर्पण बहुद्देशीय विकास संस्था साकोली, राणी डगवार प्राचार्य आशीर्वाद नर्सिंग कॉलेज साकोली, अनिल गर्ग, DH ठाकरे, मुख्याध्यापिका स्मिता घोरमोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्नेह संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात विद्येची आराध्य देवता पूजनीय शारदा मातेच्या प्रतिमेसमोर दीप प्रज्वलन करून मनीषा दाडंगे यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. प्रास्ताविक मुख्याध्यापिका स्मिता घोरमोडे यांनी केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांनी विविध कोळी नृत्य, आदिवासी नृत्य, गुजराती नृत्य, पंजाबी नृत्य, छत्तीसगढी नृत्य, काश्मीरी नृत्य, उडीसा नृत्य, स्वच्छ भारत अभियानवर आधारित नाट्य अभिनय करून विविध प्रांतातील अनेकता में एकता नृत्याचे सादरीकरण करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलेचे कौतुकास्पद प्रदर्शन केले. मनीषा दाडंगे यांनी मार्गदर्शन करताना म्हटले की विद्यार्थ्यांवर जसे संस्कार कराल तसे त्यांचे प्रतिबिंब समोर दिसतील. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी अभ्यासाशिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. अशा प्रकारची माहिती देऊन कार्यक्रमाचे औचित्य साधले. यशस्वीतेसाठी मोहन रहिमतकर, अतुल नंदेश्वर, धनराज मेश्राम, श्रमिका पातोडे, वैशाली मारवाडे व अन्य सहित शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.